व्यूअर्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी. राइट नाउ आई एम हियर एट मुथरीपुर. तो ये जो इलाका है ये दिल्ली नहीं है ना तो इटानगर है, ये एक छोटा सा इलाका है, यू कह लीजिए गांव है, दाइन सर्कल के अंदर में, चांगलांग जिला के अंदर में. तो आज आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे में काफ़ी हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं. क्यों आए हैं? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज़ किया है. इसको समर्थन करने के लिए जितने भी कांग्रेसी समर्थक है वो आज यहाँ पे इकट्ठा होकर एक मोदी सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन किया है. यहाँ पे क्यों किया है आपने देखा होगा, एक रिपोर्ट आया था जिसमें अदानी ग्रुप का भी नाम आया था, जिसके बाद अदानी ग्रुप का जो स्टॉक एक्सचेंज है या जो उसका जो डाउनफॉल हो चुका था. साथ में ये बताया जा रहा है कि उस रिपोर्ट में जो LIC है उसको भी सरकार ने सेल कर दिया है. तो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी है उनका ये कहना है कि वो मोदी सरकार से काफ़ी नाराज है इस चीज़ को लेकर. इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम यहाँ के जो अध्यक्ष है नोयसाम जोंगसम, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है यहाँ पर. इसलिए जरूर रहिए हमारे साथ. अरे हम लोग का कैमरा से भी कितने. तो सर आज का जो है आपने प्रोटेस्ट जो क्यों रखा गया है यहाँ पे सर? ना हमारा आज कांग्रेस का आप देखिए ये नेशनल लेवल नेशन वाइड प्रोटेस्ट है, स्टेट में भी सब जगह हो रहा है और हमारा चांगलांग का भी आज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं. हमारा आज मेन मुद्दा ये है कि हिंडनबर्ग, आपने देखा होगा हिंडनबर्ग रिसर्च का एक रिपोर्ट खुलासा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है उस रिपोर्ट का हिसाब से अडानी ग्रुप में गवर्नमेंट ने कितना आशीर्वाद दिया और अभी क्या होने जा रहा है, इसी का खुलासा हम पब्लिक लोगों के साथ आज बताने के लिए आया हूं और बता भी दिया. देखिए BJP गवर्नमेंट LIC बेच दिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये बेच के हमारे देश को कितना का नुकसान है आप देख लीजिए, उसमें 19,000 करोड़ का लॉस हुआ LIC को. और मैं LIC जो सब्सक्राइबर है, LIC जो धारक है, उनसे भी मैं उनको जानना चाहता हूँ कि जो LIC पॉलिसी अपनाया है वो रुपया वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा हालत में है अभी स्टेट में नेशनल में. तो ये सब पब्लिक को पता नहीं है, इसको बताना ज़रूरी है और इसी के लिए हम ये आज मुहिम कर रहे हैं, मास प्रोटेस्ट और मैसिव मार्च. और हमारा मांग यही है कि इस हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए, लेकिन सरकार नहीं कर रहा है. आप हर चीज़ बेच दिया ना, आप देखा होगा प्राइवेटाइजेशन कर दिया सब चीज़. तो ये प्राइवेटाइजेशन किसके लिए? एक ही एक इंसान के लिए है. तो ये तो कैपिटलिज्म की ओर जा रहा है हमारा स्टेट देश. तो कैपिटलिज्म होने से किसका लॉस है? आम आदमी का लॉस है, आम जनता का लॉस है, हम जैसा गरीब का लॉस है. तो इस पॉलिसी को बताने के लिए, आम आदमी को बताने के लिए हमने आज ये प्रोटेस्ट, मैसिव प्रोटेस्ट रखा हुआ है और हम यहाँ कर रहे हैं. यही है चीज़. तो आप इस SBI में भी देखिए, SBI में, LIC में प्राइवेटाइज करके SBI को कितना नुकसान हुआ है, 78,000 करोड़ का. ये अभी का नहीं है, 2-3 महीना पहले उसका रिपोर्ट है. तो अभी तक तो कितना हो गया होगा, 100,000 करोड़ पार हो गया होगा. तो ऐसा हालत में है स्टेट. देखिए कल को अगर ये बैंकक्रप्ट होके, अदानी बैंकक्रप्ट होके देश छोड़ के चला जाएगा, किसका लॉस है? हमारा पब्लिक का लॉस है, जो रुपया उसमें इन्वेस्ट करके रखा है उनको वापस मिलेगा नहीं, ये हमारा लॉस है. पहले से ही कितना, आप देखिए विजय माल्या भाग चुका है, नीरव मोदी भाग चुका है, ललित मोदी भाग चुका है, अभी आप और इस मतलब उसी लाइन में किसी और को भी देने का मौका में है. अब नीरव ये अदानी अगर ऐसा हो गया तो देश का कितना नुकसान होगा, और देश का नुकसान किसका है? वो गरीब लोगों का है, जो गरीब है एकदम ज़मीनी स्तर पे जो रहता है उसका क्या हालत होगा, यही को पब्लिक को जानना है. हमारा काम है, हम जानाएंगे, पब्लिक भी जागरूक होगा, ये मेरा आशा है. तो सर जिस तरह से अभी जो आप लोगों ने कहा कि प्रोटेस्ट जो आप लोग किया जा रहे हैं, जो LIC बेच दिया, अगर आप लोगों का मांग पूरा नहीं किया जाएगा तो अगले कदम आप लोगों का क्या रहेगा सर, आपके ये पार्टी के द्वारा? मैं वो अगले कदम तो हमको स्टेट लेवल से हमारा APCC का जो डायरेक्शन होगा, हम तो कांग्रेस का एक सिपाही है, ज़मीनी स्तर पर रहने वाला सिपाही हूँ, वहाँ से जैसा डायरेक्शन मिलते रहेगा हम ऐसे ही करते जाएंगे. यहाँ में पब्लिक का भी कोऑपरेशन है, अभी
आप उजागर हो चुका है बीजेपी गवर्नमेंट का सरकार का पॉलिसी प्रोग्राम, इसीलिए पब्लिक खुल के आ रहा है। आज भी देखिए LIC का, अभी बहुत लोग ने LIC पॉलिसी लिया होगा लेकिन वो खतरे में है, रुपया वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा हालत में है। इसीलिए सब जानने के लिए उत्सुक है, इसीलिए सब आए हैं। आप देख पा रहा होगा, देखिए कितना लोग जुड़ा हुआ है हमारे साथ। यही है, जैसा वहाँ से डायरेक्शन आएगा, हम सिपाही है, लड़ने के लिए रेडी है, हम लड़ेंगे, मैसेज पब्लिक तक पहुँचाएंगे। थैंक यू। जैसे कि आपने कहा कि आप सिपाही है कांग्रेस का जी, तो मेरा सवाल ये कि आपको क्या लगता है कि अगर ये जो अभी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज पूरा देश भर में जी, अगर इसको अगर मोदी सरकार नहीं मानते हैं तो कांग्रेस एज अ जनरल जी, उनका कदम क्या रहेगा, क्या लगता है आपको? ना वही बोला है ना, कांग्रेस AICC से दिल्ली लेवल से जो हमको निर्देश मिल जाएगा, जैसा हमको इंस्ट्रक्ट करेगा हम उसी तरह करेंगे। हम पीसफुली कर रहे हैं और हम प्यार से भाईचारे से हर गवर्नमेंट का पॉलिसी प्रोग्राम जो पीपल फ्रेंडली नहीं है उनको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर और एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं पूरा देश भर में जी, तो कुछ लोगों का कहना है कि उनका वेब बन रहे हैं जी, तो क्या लगता है सर आपको इस बार अगले इलेक्शन में क्या कांग्रेस जीत पाएगा सर? आप देखिए भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस का ग्राफ कैसा था, फिर भारत जोड़ो के बाद कांग्रेस का ग्राफ कैसा है। चेंजेस आएगा, ज़रूर चेंजेस आएंगे। आप देखिए ऐसा नेता है राहुल गांधी जी, 3000 किलोमीटर चल के आए हैं। आप अभी बीजेपी का किसी सरकार का किसी नेता को बोल के देखिए, वो 3000 किलोमीटर क्या 300 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। हमारे स्टेट में भी वही हालत है, ज़रूर चेंजेस आएगा। इन लोगों में जागरूकता फैल चुका है, लोगों को मालूम हो चुका है ये सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ किसी एक का विकास के लिए काम करने वाला पार्टी है, सबको मालूम हो चुका है। थैंक यू सर। थैंक यू।